बोल मैं जा रही हूँ स्कूल। हेलो ऐसे बोल बोलो। अरे इसमें देख के बोलना है। हेलो गाइस मैं जा रही हूँ अभी स्कूल जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। हमारा फ्रंट ये मेन गेट मैं जाऊँगी ऊपर का। हम रहेंगे फिफ्थ फ्लोर पे ये सब रेंट पे। हेलो गाइस वेलकम बैक। तो मैंने मशीन लगा दी है, बर्तन धो दिए हैं और कल वैभव स्लाइड पे गया हुआ था, उसने अपनी जैकेट और पैंट गंदी कर ली थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि मशीन लगा लूँ, फिर कपड़े ज़्यादा नहीं होंगे। और अब ये गए हैं नहाने के लिए वैभव के पापा। मैंने कमरा क्लीन कर दिया है तो अभी मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। और गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, सपोर्ट मी। आप सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी किया करो प्लीज़। तो आई होप मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगी, आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते थोड़ी देर में, बने रहिए मेरे साथ। आप देखते हो जितना बना पाऊँगी ओके। तो गाइस मैं आ चुकी थी किचन में, तो अभी मैं दिखाती हूँ। मुझे कट कर लिया और मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने गोभी को डाल दिया है। ये इसमें है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगी और जो इसमें कीड़ा आता है ना उसका भी पता चल जाता है। इसे पहले उसको कट करके पता चल जाता कीड़े का, फिर मैंने इसको पानी बॉईल किया उसमें डाल दिया, ये वॉश हो जाएगी अच्छे से क्लीन एकदम। और मैंने बर्तन वॉश कर लिए, देखो गाइस। अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्जी और साथ में गाजर का रायता। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके। ये देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने गाजर कट कर ली और मैंने कस लिया कद्दूकस कर लिया। अब दिखाती हूँ गाइस, मैंने गाजर कट कर लिया और मैंने उसको कद्दूकस कर लिया। अभी मैं बनाऊंगी रायता गाजर का। ये देखो अभी मैं गाजर का रायता बनाऊंगी, इस पर दो सीटें लगवाऊंगी। सब पानी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें भी डाला था क्योंकि वो जले नहीं, क्योंकि चिपक जाती है अगर पानी जरा से ना डाल देते तो। आप भी जब वो रायता बनाए तो थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि चिपके नहीं। तो अभी बनाती हूँ मैं सब्जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ, वैसे तो मैं फ्राई करके बनाती हूँ लेकिन ये विशाल जी बोले कि फ्राई करके नहीं बनानी वैसे बनानी है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, मैं वैसे कढ़ाई में बनाती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गाइस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। मैंने एक चम्मच तेल लिया, इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा।
अब इसमें मैं डालूँगी तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इलायची मैंने निकाल ली है इसको गाइस, इलायची मैंने निकाल ली है, इलायची को मैं थोड़ा कूट के डालूँगी। इसमें मैं कूट के डालूंगी एक इलायची, अब ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे थोड़े ब्राउन, तो मैं इसमें डालूंगी एक प्याज और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, मैंने लिए हैं दो टमाटर और हरी मिर्च, इसको मैं ग्राइंड कर डालूँगी प्योर टमाटर के मसाले को इसमें डालूँगी। जिसको गोल्डन ब्राउन करना है अदरक पाँच दस मिनट के लिए, इसमें थोड़ी देर की सुबानी शुरू हो गई है, प्याज और लहसुन की अदरक की पेस्ट चलाना है, जब ये ब्राउन हो जाए इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, इसे डालेंगे मसाले, देखो इसको चलाना दिखाते हैं थोड़ी देर में कैसे बनती है सब्जी। गोल्डन ब्राउन हो गई है, अमीर डालूंगी टमाटर की प्यूरी, गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, गरम मसाला डाल दिए, लाल मिर्च, मैं तो गाजर मसाले डालती हूँ, हमारे घर में इतने मसाले खाते, ज़्यादा मसाले नहीं खाते, आप बताना आपके घर में इतने मसाले खाते हैं, तो मैं इतना हमारे पति इतने खाते हैं, वो ये करते ज़्यादा मसाले से नहीं, क्योंकि वो जलन करता फिर नमक डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि मसाले पक जाएं, ढक देती हूँ, गैस को मैंने बिल्कुल स्लिम रखा है एकदम मीडियम, ज़्यादा फास्ट पे नहीं चलाना नहीं तो मसाले जल जाए। गाइस मसाला मेरा भुन चुका है, मैं इसमें डालूँगी गोभी, साथ में डालूँगी आलू, इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा डालूँगी पानी, ये टमाटर का ही थोड़ा सा बच गया था प्यूरी में से, ये डाल देते हैं, इसको मैं मिक्स करूँगी, मैं
इसको थोड़ा सा ताकि मसाला एब्सॉर्ब हो जाए। इसका ढक्कन, इसको मैं टाइमिंग दूंगी 15 मिनट का। तो देखते देखते 15 मिनट में, तब तक ओके बाय। गाइस अभी मैं दिखाती हूँ अपनी सब्जी, बताना कैसे लगी। मेरी सब्जी बन चुकी है। गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती डाल दी। तो आप बताना मेरी सब्जी कैसी लगी। ओके भाई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।